नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार्टिंग फ्रेंड में। आज हम बात करेंगे इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसका नाम है VGX टोकन कॉइन और VGX कॉइन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। चलते हैं चार्ट पे। आप देख सकते हैं हम अभी मंथली चार्ट में हैं और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ये हो गया इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ओके, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो इसी चैनल पैटर्न में कैंडल्स अभी लाइक साइड वाइज मूवमेंट हो रहा है। ये एक मंथली चार्ट में हम बता रहे हैं और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो देख सकते हैं कैंडल सपोर्ट्स स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, फिर से फॉल हुआ। कुछ टाइम के लिए कैंडल्स थोड़ा सा सपोर्ट के पास मूव हो रहा था, उसके बाद अगेन ऊपर गया, फिर से फॉल हुआ। अभी फ़िलहाल कैंडल्स अभी सपोर्ट के पास ही मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ओके, और ये हो गया इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सो इसी चैनल पैटर्न में अभी फ़िलहाल कैनल्स मूव कर रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है कैनल्स ऊपर की तरफ जा सकता है। सो प्रीवियसली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था और देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद कैसे ये कैनल्स ऊपर की तरफ गया। तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट के लिए और जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक अच्छा रैली आपको मिल सकता है और कैनल्स इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है और इसका जो फ्यूचर टारगेट होगा अराउंड 6.18 हो सकता है, कैनल्स ऊपर की तरफ जा सकता है ब्रेकआउट के बाद, ओके। तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट के लिए, तब तक के लिए हमें ये डाउन ट्रेंड चैनल पर में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप वीकली चार्ट में जाओगे देख सकते हैं कैसे ये कैनल्स मूव कर रहा है। अभी फ़िलहाल कैनल्स थोड़ा सा साइड वाइज मूव कर रहा है। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो इसी चैनल पैटर्न में कैनल्स मूव कर रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली, फॉल के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैनल्स ऊपर गया, अभी फॉल हो रहा है और फिर से ब्रेकआउट होगा तो अगेन कैनल्स ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप डेली चार्ट में जाओगे देख सकते हैं कि कैनल्स अभी सपोर्ट के पास ही मूव हो रहा है, ओके। तो हमें वेट करना है प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसका जो एंट्री प्राइस होगा 962 और स्टॉप लॉस होगा 656 और टारगेट होगा इसका अराउंड ये लेवल पे, इसका टारगेट होगा 3230। सो कैनल्स ऊपर की तरफ जाएगा, फॉल होगा, अगेन ऊपर जाएगा, फॉल होगा और उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद एंट्री प्राइस होगा 1146, स्टॉप लॉस होगा 411 और इसके बाद कैनल्स ऊपर की तरफ जा सकता है और इसका जो फ्यूचर टारगेट होगा अराउंड इस लेवल पे अराउंड 6.2 के पास जा सकता है और ये जिग जैग पैटर्न में ही मूव करेगा। तो प्रीवियसली भी देख सकते हैं कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव हुआ और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये कैंडल्स नीचे की तरफ आ गया और उसके बाद ये अभी कुछ टाइम के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। सो ये सिंपल लग रहा है बट सिंपल नहीं है, आपको ट्रेडिंग लर्न करना है उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड लेना है। सो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।